सावन का पवित्र महीना चल रहा है। भगवान शिव की भक्ति के बयार के साथ ये महीना मौसम के लिहाज से भी बहुत ही सुहावना होता है। भीषण गर्मी के बाद लोगों को बारिश की रिमझिम फुहारों से राहत मिलती है। चारों तरफ बिखरे प्राकृतिक रंगों से मन बहुत ही खुश होता है। सावन महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया पर सावन का प्रमुख त्यौहार हरियाली तीज पड़ता है। हिंदू धर्म के इस त्यौहार का महिलाओं में विशेष महत्व होता है, जबकि ये पर्व भगवान शिव और माता पार्वती से संबंधित है। 3 अगस्त को हरियाली तीज है। वैसे तो पूरे सावन में प्रकृति का हरियाली छटा बिखरी रहती है, लेकिन महिलाएं इस दिन खास तौर से अपने श्रृंगार में हरे रंग को जरूर शामिल करती हैं और महिलाएं हरी चूड़ियां पहनती हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर महिलाएं क्यों हरियाली तीज में हरे रंग का श्रृंगार करती हैं। कुछ रंगों को हिंदुओं का बहुत शुभ माना जाता है और हरा रंग उनमें से एक है। सावन में हरे रंग को बहुत ही महत्व दिया गया है, क्योंकि प्रकृति का रंग भी हरा होता है। इस रंग को जीवन और खुशियों का प्रतीक माना जाता है। सुहागिन स्त्रियां हरे रंग की चूड़ियां अपने पति की खुशहाली, तरक्की, दीर्घायु और सेहतमंद जीवन के लिए पहनती हैं। वैसे इस रंग से दिमाग भी शांत रहता है और घर में कलेश नहीं होता है। हरा रंग आँखों को राहत पहुँचाने वाला होता है। सावन के महीने में तो प्रकृति ही हरियाली की चादर में लिपटी होती है। धार्मिक मान्यता अनुसार सावन में महिलाएं हरे रंग की चूड़ियां वस्त्र धारण करती हैं, यही नहीं हाथों में मेहंदी भी लगाती हैं। दरअसल ये परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, जिसके धार्मिक और वैज्ञानिक कारण बताए गए हैं। सावन को प्रकृति के सौंदर्यता के महीने के तौर पर भी देखा जाता है। शास्त्रों में स्त्री को भी प्रकृति से समतुल्य माना गया है। प्रकृति की हरियाली की तरह महिलाओं से भी जीवन में उमंग और स्फूर्ति बनी रहती है। सावन महीने के दौरान पड़ने वाले कजरी तीज, हरियाली तीज और रक्षाबंधन जैसे त्योहारों पर महिलाएं मेहंदी लगाती हैं। इसके अलावा स्त्रियां हरी चूड़ियां, वस्त्र और बिंदियों का भी प्रयोग करती हैं। दरअसल इस तरह का श्रृंगार प्रकृति से नाता झलकाता है। हरे रंग को उर्वरा शक्ति का भी प्रतीक माना जाता है। ये प्रजनन क्षमता का भी प्रतीक होता है। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में मौसम के प्रभाव के कारण मनुष्य पर काम भाव हावी रहता है। सावन के महीने में लगातार बारिश होने के कारण वातावरण में नमी आने से कई तरह की बीमारियां फैलने लगती हैं। हरे रंग को स्वास्थ्य वर्धक रंग माना गया है। आयुर्वेद में इस रंग को कई तरह के रोगों के उपचार में कारगर भी माना गया है। ये भी एक कारण है कि सावन में हरे रंग को श्रृंगार में शामिल किया जाता है। जबकि वहीं धार्मिक ग्रंथों में हरे रंग को बुध ग्रह का प्रतीक माना जाता है। हरा रंग धारण करने से बुध प्रबल होता है और संतान सुख की कामना पूरी होती है। इससे बुद्धि और समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। इस दिन महिलाएं व्रत और पूजा के साथ साथ 16 श्रृंगार भी रखती हैं। ये श्रृंगार वो अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए करती हैं और ऐसी मान्यता है कि हरियाली के 3 दिन अगर महिलाएं हरे रंग की कांच की चूड़ियां पहनती हैं तो इससे उनके पतियों की उम्र लंबी होती है। द डेली न्यूज रूम से दीपक चंद की रिपोर्ट।